आले का कुमार शेट्टी आले कुमार शेट्टी पंचाच्या भूमिकेमध्ये या पंचाच्या भूमिकेमध्ये जीत रोजारी आणि कुमार शेट्टी तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर। चलेंगे इस मैच की तरफ जहां पर नॉकआउट स्टेज देखिए, यहां से बात करेंगे। और जहां पर बल्लेबाजी के रूप में देखिए, हम देख सकते हैं अंपायर की तरफ से यहां पर खास ग्रीन सिग्नल, देखिए गेम ऑन हो रही है। इस मैच में देखिए बात करेंगे माथे रन के दो स्टार देखिए अंपायरिंग के काम करते हुए, और जो हमारे रेगुलर अंपायर है थोड़ा सा उन्हें विश्राम दिया गया है। और पहला गेंद, अरे चले केतन मात्रे, और पहली गेंद के ऊपर देखे फ्लाइट रिया स्लोक स्टेप देखे खेलते हुए चार रन। अब मजा आएगा भाई मैच में। गेंदबाज देखिए प्रशिक पर तैयार, केतन मात्रे देखिए सामने, इस बार फ्लाइट दिया, आमंत्रण दिया था यहाँ पर, वन बाउंस लेकर देखिए लॉन्ग ऑफ को चीरता हुआ केतन मात्रे का गाड़ी चलता हुआ पम 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 और चार रन। क्या बात है डीजे, देखिए यहाँ पर क्या तैयारी के साथ है आनंद के साथ। देखिए ये ठाणे के केतन मात्रे उड़ाया भाई हवाई फायर, AK-47 और एक देखिए यहां से बढ़िया गेंद लाजवाब है, लेकिन थोड़ा सा देखिए लेग स्टंप से बाहर वाइट का एक्स्ट्रा से रन आता हुआ दबाव डालती हुई देखिए यहां से 34 बाइक 5 फोर व्हीलर इस वक्त हवा में है गेंद, और यहां से देखिए कम एंट्री बॉक्स के ऊपर से
कहते हैं ना अगर शेर के पूछ में पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं सीधा चप्पी मिलेगा। राजू ये क्या कर दिया भाई तुमने, लेकिन अब देखिए मौका मिला है, लेकिन ये भी मौका चाहता था भाई। क्या था वो या मैच था ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तेज हवा बहता हुआ और आपने केतन मात्रे का भाई बढ़िया कैच यहाँ पर बना था और वो मौका दिया आपने, अब तो कीमत चुकाना पड़ेगा भाई। और स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया पर 24 देखिए 24 रन, बहुत बढ़िया मौका बना था यहाँ से। चलिए यहाँ से बात करेंगे, 3 ओवर का मैच है और हेलो नेक्स्ट मैच असेल संत रोहिदास विरुद्ध शरद इलेवन बंडा बॉयज संघ, तो प्लीज दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी यायचं लगेच। संत रोहिदास विरुद्ध शरद इलेवन बंडा बॉयज संघ नाणेफेकीसाठी या लगेच। चलिए अब देखते हैं कैच तो छोड़े हैं क्या कुछ इसका जीवन दान का फायदा मिलता है, और कोई बात नहीं, कहते ना कुछ चीज सबक से कुछ चीज सबर से मिलती है। राव ने जो ये जो सवर अभी बहुत मुश्किल कठिन हो जाएगा भाई, भलाई फील्ड खोल दिया जा चुका है, लेकिन केतन मात्रे का जो शॉर्ट सिलेक्शन रहता है ना ज्यादातर वो मैदान के बाहर जाता है गेंद। अब देखते हैं कितना कठिन बनेगा। अब देखिए ऊंचाई ली है, फिर से एक बार मौका दिया है भाई लॉन्ग ऑन के फील्डर से कैच का मौका। ओहो यहाँ पे भी कैच छूटता हुआ, चिंगो चिंगो ये क्या हो गया। ओहो मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना सपना भी भाग गई क्योंकि कैच भी छूटा और चौका भी गया। आसान सी कैच था यहां से और दो दो जीवन दान देखिए केतन मात्रे को देते हुए भाई। और गेंदबाज तो यही कहेगा भाई यहां से अपने साथी खिलाड़ी से, भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब देखिए मौका दिया है भाई, अब इस बार भी है मौका, इस बार भी देखिए मौका का भाई भाई चौका आता हुआ बहुत करीब बाउंड्री लाइन का गिरता हुआ यहां से। हवा का रोक था लेकिन जल्दबाजी में यहां पर उम्मीद छोड़ रहे हैं भाई। तीसरी मर्तबा देखिए मौका एक खिलाड़ी को आप दे रहे हो और स्कोर देखिए जाकर 32 तक पहुंचा। अब गेंदबाज भी बेचारा क्या करें। चलिए अब इस वक्त तैयार गेंदबाज है, छोटे रनअप के साथ निराश चेहरा देखिए यहां से। अब देखिए खोद कर इस गेंद को निकाला गया और ये देखिए भाई क्या हो रहा है भाई, नहीं नकआउट स्टेज में ये क्या हो गया भाई। कहते ना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी यूं ही नहीं बदनाम हुई थी, जहां सिंगल होना था वहां पर चौका जाता वहां। केतन क्या इशारा कर रहे हैं, बल्ला चाहिए भाई बल्ला बदलना चाहते हैं। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचाए 36-36 रन देखिए यहां से। बहुत गलती देखी यहां पर, एक नहीं दो नहीं तीन तीन गलती चार चार गलती कर चुके हैं भाई। इतना शेर के पूछ में अगर पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं सीधा चप्पी मिलेगा। और आपने मौका दिया है इसने, उन्होंने बल्ला भी बदल चुके हैं। दिल तीन चौके देखे यहां से इस ओवर में, कुछ खराब फील्डिंग से कुछ कैचेस से, अब दबाव में देखिए आते हुए टीम। परेशान रहेंगे पर केसीएस टीम देखिए बात करेंगे यहाँ पर हम, और सामने देखिए बात करेंगे गोल्डन स्टार है और आपने उन्हें गोल्डन बनाने का पूरा मौका दे दिया भाई। कहती ना लकड़ी कितना भी गीला हो जलता है जरूर, बैटर कितना भी बड़ा हो गलती भूल करता है जरूर। शायद केतन से भी गलती हुआ था लेकिन इसका फायदा नहीं ले सके। सेकेंड ओवर चलता हुआ और ये चलिए इस बार फिर से मौका दिया यहाँ पर, और इस बार देखिए मौके से नहीं चुके खुद गेंदबाज देखिए पर आज से पर देखिए इनका इनिंग ज्यादा लंबा नहीं रहा पर 2 रन पर आउट होते हुए।
सफलता आएगा, लेकिन एक सफलता हाथ लगी है न्यू बैटर से। पटकी हुई गेंद और आते आते देखिए इन्होंने भी दाग दिया भाई, बड़ा हिट है। और एक एक ये 47 देखे छोरा बघा, हे शेवटचं षटक असेल, तिसरं षटक आहे आणि हे षटक पूर्ण होईत तोवर संत रोहिदास व शरद इलियन बंडाबॉय संघाचा कुठलाही कर्णधार जर लेट झाला, जर षटक पडण्याच्या आधी कर्णधार नाही आला तर दोन धावेच्या पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल। या दोन्ही संघांना एक नम्र विनंती केली जाते, तर हे षटक संपायच्या आधी दोन्ही संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित नाही झाला तर मात्र दोन धावेची पेनल्टी दिली जाईल। चलिए खास पेनल्टी देखिए, असे इनिंग ब्रेक में दोनों कप्तान आना जरूरी है। कहते ना समय पर चाय, समय पर राय और समय पर टॉच होना बहुत जरूरी है। ये चीज के ऊपर फोकस करना होगा भाई। नॉकआउट स्टेज पर पहुंच गए हैं और अंतिम ऊपर देखते हैं गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं भाई। और यहाँ से देखिए बल्लेबाजी में बात करेंगे, केतन मात्रे देखिए कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास। शरद इलियन बंडाबॉय संघ बाहर नहीं आ, बाहर नहीं, अरुण कैप्टन है तू बाहर नहीं, मैदानाच्या बाहेर नाही यायचं प्लीज। गेमचा रूल पाळा, नियम पाळा, अटी पाळा, क्रिकेट हे तुमच्यासाठी खेळवलं जातं तर प्लीज सहकार्य करा। सगळ्या संघांनी आम्हाला वारंवार तुम्हाला विनंती केली जाते, थोडं सहकार्य करा, हे मॅचेस फक्त तुमच्यासाठी इथे मैदानावर। चलिए अब देखते हैं अंतिम ओवर यहां से। क्या कुछ देखते हैं, मैच रंग लेकर आता है, ये तो आने वाला वक्त समय बताएगा। केतन मात्रे देखे यहां से, अब अंतिम ओवर को देखते हैं क्या निशाना बनाएंगे। कहते ना सोना रखने के लिए, सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक, और यहां से केतन मात्रे को रोकने के लिए कौन सा गेंदबाज मिला है। कुणाल देखिए यहां से, केतन मात्रे को रोकने के लिए। चलिए कौन सी बात की देरी हो रही है यहां से। चलिए यही तो बात कर रहे थे भाई, सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक है, और केतन मात्रे को रोकने के लिए यहां पर हर्ष आए हैं। हर्ष क्या निभाएंगे अपना फर्ज। चलिए चैतन्य दादा देखिए बात करेंगे। ओ बहुत बढ़िया, देखते हैं मैदान के अंदर देखिए केतन मात्रे ऑन फायर है और मैदान के बाहर देखिए चैतन्य दादा। अंदर केतन तो बाहर देखिए चैतन्य दादा। अरे चले फ्लाइट दिया और हवाई फायर यहां पर। अब तो गेंदबाज कहेगा भाई अल्लाह बचाए मुझे हैदरेवार से, हैदरेवार से, हैदरेवार से, हैदरेवार से। सर दो मिनट रुकता हूँ, टॉस करून घेऊया आपण संत रोहिदास विरुद्ध शरद इलियन बंडाबॉय संघ। तर त्याचा नाणेफेक आपण मात्रांपत्र संस्थेचे संचालक गिरीजी पवार यांच्या हस्ते आपण टॉस करतोय। मंगेश सर अभी है पांच गेंद, रुकिए ना जरा, इनिंग ब्रेक में टॉस लीजिए। मंगेश सर इनिंग ब्रेक में टॉस लीजिए, पांच गेंद बचाए अभी। नहीं नहीं टॉस की बात कर रहा हूँ, इनिंग ब्रेक में लीजिए, पांच गेंद बचाए। चलिए पर चलेंगे मैच की तरफ, क्योंकि मैच बहुत बढ़िया खूबसूरत चल रहे हैं। चलिए हर्ष को क्या लिबाना होगा पर फर्श है, और केतन मात्रे देखिए आग उगलते हुए, केतन मात्रे की 34 तक पहुंच गए हैं, रनों की बारिश देखे करते हुए। हर्ष देखिए पर हिम्मत जोड़ते हुए छोटी रनअप के साथ, और एक बार देखिए मौका दिया है लेकिन कोई फील्डर नहीं है भाई, एक रन बड़ी आसानी के साथ लेते हुए यहां से इत्मीनान के साथ छक्का खाने के बाद बहुत बढ़िया वापसी करते हुए। इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून। पिछली गेंद के बाद छक्के दागे, बैटर का था जुनून लेकिन इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। चलिए हर सब छोटे रनअप के साथ तैयार यहां पर, बैटर की बात करेंगे स्ट्राइक पर। मयूर देखिए ऊंचाई ली है, लंबाई की कम है, फील्डर से गेंद के नीचे। ओ ये देखिए भाई गेंदबाज क्या करें भाई, गेंदबाज तो यही कहेंगे हमें अपनों ने लूटा, कहां गहरों में दम था।
कहते ना कबर या खबर खोदते तो अपने ही है भाई। चलिए अब मौका देते 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 यहां से देखिए भाई बात करेंगे और इस बार देखिए कैच, बड़ा विकेट देखिए पर केतन मात्रे का विकेट गिरता हुआ। कहते ना मीठा खाने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, केतन मात्रे का छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था। इसके लिए देखिए 500 रुपया प्रकाश सुतर साहब और जो कैच लिए यहां पर फील्डर से कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए यहां से हम देख सकते हैं जब भी माथेरे अंदर कोई प्रतियोगिता खेला जाता है महिला मंडल देखिए यहां पर तशरीफ रखते हुए और इस बार देखिए जगह बनाकर रुक किया यहां से लॉन्ग लेग को चीरते हुए और देखते हैं अंपायर का डिसीजन का इंतजार रहा और आता हुआ 6 रन। से 57 रन और अंतिम ओवर देखिए यहां से चलता हुआ आखिरी अंतिम गेंद यहां से पुल्ले हर्ष देखिए क्या अपने फिरकी से जादू दिखाते हुए और हर्ष ने बता दिया भाई कि उजाला मिल जाए अपनी टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला। स्वर्ग आमुचा था विचार साठी देह आमुचा मंदे हाचा श्वास किया लागी तो भाड़ी ओठी एक छुटी से गन सर्ग सुंदर हसरा डोंगर सह्याद्री ची शान रायगढ़ाचा शिरपे सा तुम चमके हिरवे पान दर्या कोर्यातून अनवळातून ते सृष्टीचे भान वंदन करुणी तुला पूजितो करितो तुझा सन्मान हमसा स्वाभिमान हमसे माथेरा हमसा अभिमान हमसे माथेरा हमसा स्वाभिमान हमसे माथेरा हमसा अभिमान हमसे माथेरा सुंदर माथेरा हसरे माथेरा खुरातून साध घालते माझी माय माती कुशीत घेते साऱ्या नाजरी धर्म वेगळा जाती संस्काराची परंपरा अळी कर्तृत्वाचा वसा इतिहास सांगतो मानाने खुद बाळांचा वारसा
तुझा खुशी मध्ये जन्माचा शत जन्मी मिळावा मन आमचा स्वाभिमान आमचे माथे किशोर क्रिकेट संघ हा 50व्या वर्षात पदार्पण करत आहे त्यानिमित्त अनेकानेक शुभेच्छा. आपण पाहिलं तर 1974 सालापासून किशोर क्रिकेट संघामार्फत विविध स्पर्धांचं आयोजन केलं जातं. म्हणजे त्या काळात माथेरानमध्ये तसं करमणुकीचे साधनं ही फार कमी होती किंवा करमणुकीचे कार्यक्रम असतील ते फार कमी प्रमाणात आयोजित केले जायचे. जसं की नेहरू भवन असेल त्या ठिकाणी काही कार्यक्रम व्हायचे, पण किशोर क्रिकेट संघामार्फत विविध स्पर्धांचं आयोजन केलं जायचं. याकरिता उत्कृष्ट आयोजन नियोजन आणि त्या दृष्टिकोनातून ते प्रायोजक त्यांना जे भेटलेले आहेत त्यांच्यामार्फत अनेकांनी छान छान कार्यक्रम स्पर्धा त्यांनी भरवल्या आणि क्रिकेटच्या मार्फत अनेक गुणवंत जे आपल्या इथले संघामध्ये दाखल झाला होता आणि त्यावेळेला देखील केलेली फलंदाजी अजूनही त्याची कायम आहे. काल त्याने दाखवलं हा क्रिकेटचा खेळ आणि हे मैदान माझ्यासाठी नवीन नाहीये. गोलंदाज तयार, अतिशय चांगला चेंडू, शॉर्ट पिच चेंडू होता त्याचा समाचार घेत असताना प्रतीक शिंदे चेंडूला फील करतोय. चेंडू उचलणार फेकणार दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. पहिल्या चेंडू पासून 18 चेंडू आणि विजयासाठी 58 धावांचं लक्ष्य. माफ करा, बरोबर आहे मंगेश सर, सॉरी, 18 चेंडू आणि 58 धावांचं लक्ष. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज, अतिशय चांगला चेंडू, चेंडू फिरकवून दिला आहे. नोमॅन डिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावेसाठी. या 4 धावेने धावसंख्या धावफलकावर 6 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, समोर आव्हान असेल गेल या खेळाडूच. तुरुंग मारण्याचा प्रयत्न, पण तो बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. निधाव चेंडू होत आहे. मयूर दिवेकर बदलापूर शहरापासून बिलॉंग करणारा खेळाडू. या खेळाडूला देखील अगदी नाही म्हटलं तर ठाणे जिल्ह्यापर्यंत या खेळाडूचं नाव राहिलंय. तो मयूर दिवेकर गोलंदाजी मार्ग वर येते. समोर आव्हान असेल एक नामवंत खेळाडू मुंबई शहरातला. चेंडू आलो, फटका फसला शेटोळ चेंडूच्या खाली, पकडला झेल आणि संपलाय ग्लेनचा खेळ. फलंदाज बाद डीजे ठोक. बसलाय तळ्याच्या काठी सरनाथ देव आहे आमच्या पाठी. 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 थँक्यू डीजे. ऐकवान खेळाडू बाद झालाय, नवीन खेळाडू झालोय. हेमंत शिंदे, ही संकल्पना जेव्हापासून केसेसच्या माध्यमातून आली ना त्यावेळेला आयकॉनचा खेळाडू पहिला जर कोण आला असेल तर केसेस मध्ये तो हेमंत शिंदे. वयाची 52 आहे, परंतु 22 वर्षाच्या तरुणासारखा या क्रीडांगणावर आपला खेळ करत असतो. काल देखील पाहिलं असेल तुम्ही एक कशा प्रकारचा खेळ करत असताना केसेसला आजच्या 3 दिवसापर्यंत त्याने आणलंय. आज देखील तो करेल का, निश्चित करू शकतो. क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे क्षण येत असतात. गोलंदाजी सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा मयूर दिवेकर, चेंडू आले, पहिल्या चेंडूचा समाचार लगात 6 षटकार. मी सांगितलं हेमंत वयाच्या 52 वयामध्ये खेळत असला तरी 22 वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल
अशी फलंदाजी करतो धाव संख्या धाव फलकावा लागल्या 12 धावा चेंडू आवे ते परतावा लागेल एक गोल्डन विकेट मैदानाच्या बाहेर जे वादळ गोंगावत होतं त्या वादळाला शांत करण्यामध्ये यशस्वी झालाय तो गोलंदाज मयूर दिवेकर डीजे ठोक समोर आव्हान असेल सचिन फानसे याच सचिन फानसे जी देखील चांगली फलंदाजी राहिले कालचा दिवस त्याचा होता आजचा दिवस देखील त्याचा असू शकतो पण समोर मोठं आव्हान आहे टेनिस विश्वातला नामवंत खेळाडू तो गोलंदाजी मार्गवर येतोय केतन मात्रे असे चांगला चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न जिस्किल केला नाही पण तो एकाच धाव समाधान स्ट्राइक रोटत होतोय हर शिंदे स्ट्राइक वर जातोय आजच्या गोलंदाजीवर केतन मात्रेचा जेल उडलाय ही चर्चा असेल आजच्या दिवसामध्ये तो गोलंदाज फलंदाजीला दाखल होतोय हर शिंदे तो गोलंदाजीवर असेल केतन मात्रे पंचांकडून गाड घेतोय गोलंदाज तयार मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु अतिशय चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडा वळण घेतला थोडासा खाली राहिला गोलंदाजी मध्ये देखील एक चांगली गोलंदाजी करणारा खेळाडू आहे केतन मात्रे अतिशय चांगला चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला नाही आला तर कार्पेट चेंडू ट्रॅव्हल होतो प्रत्येक शिंदे चेंडूला फील करतो एकच धाव मिळते या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठे मोठे फटके मारावे लागतील एक एक दोन दोन धावांनी काही होणार नाही मित्रांनो त्याची कडा फलंदाज बाद सचिन फनसेला परतावं लागेल हॅलो डीजे 2 मिनिट आपण इथे जातोय सन्मानच्या दिशेने वळतोय रेखा चौधरी मॅडम इथे उपस्थित त्यांचा आपण सन्मान करतोय त्यांचा सन्मान करतील आपले कुणाल सर यांच्या हस्ते आपण तो सन्मान करतोय तर या मॅडम प्लीज लायन्स क्लबचे अध्यक्ष आहेत गोवा गोव्याचे आमचे कुणाल सर यांच्या हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करणार आहेत टॉस बॉक्स मध्ये या मॅडम प्लीज हॅलो टॉस बॉक्स मध्ये कॅमेरा फिरवायचा आहे तिथे सन्मान केला जातो तिकडे समोर समोर बघा इथे सन्मान केला जातोय रेखा चौधरी मॅडम यांचा मात्र इथे सन्मान केला जातोय प्रेमाचा फुलगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान मात्र इथे केला जातोय आमच्या विनंतीस मान देऊन इथे मात्र मॅडम उपस्थित राहिल्या तुमचा मॅडम मनापासून हार्दिक आभारी असो आम्ही केसीएस क्रिकेट संघ जाऊया मॅचच्या दिशेने जिथे समालोचनामध्ये अनिल जिनाकडे सर जोडले गेलेत तसेच गोजी झाले 12 चेंडूचा खेळ झाला धावसंख्या धावफलकावा लागल्या 14 धावा तर डॉक्टर यादव सरांना एक संधी असेल जर एक षटकार मारला तो डॉक्टर ऋषिकेश यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल 1000 रुपयाचा मी कालच सांगितलंय युनियन बँकेने एटीएम कुठे बसवलं आम्हाला माहित नाही पण एटीएम आहे कारण रिझवानने काल ज्या वेळेला जेल घेतला ना अवघड जेल त्यावेळेला एवढा पैसा आला जवळजवळ 2300 ते 2500 रुपये त्याला मिळाले नव्या मैदानाच्या दिशेने पंच फिरतायत अनोख्या स्टाईलने सांगतायत हर्ष बाद आहे फलंदाज बाद Thank you.
नवीन फलंदाज जातो आहे जाऊया मैदाना जयशीने गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज मोठा फटका चेंडू हवे क्षेत्रक्षे चेंडूच्या खाली आल्या पावली माघारी फलंदाज बाद सचिन फलंदाजाचं नाव काय अविनाश पार्टे नवीन फलंदाज आहे अविनाश पार्टे शेवटचा षटक मार्गस्थ आहे चौदा धावा दाखल कवर आहेत बघा इथे आता ज्यांचं आगमन होतंय कोकणवासी समाजचे अध्यक्ष शैलेंद्र दळवी साहेब मात्र इथे उपस्थित होत आहेत त्यांच्यासोबत अण्णा शिंदे देखील इथे उपस्थित होत आहेत आणि दत्ता सनगरे साहेब देखील इथे उपस्थित होत आहेत या तिघांचे देखील या मान्यवरांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो जाऊया समालोचनाच्या दिशेने तिथे अनिल नाईकडे सर जोडले गेलेत थँक्यू सर थँक्यू जाऊया मैदानाच्या दिशेने संधी असेल डॉक्टर यादव यांना षटकार मारला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक डॉक्टर ऋषिकेश यांच्याकडून व्हाइट बॉल एक 1000 रुपयाचं पारितोषिक जिंकणार का डॉक्टर यादव फलंदाज बाद सांगितलं वयाची 65 पण 25 वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी गोलंदाजी आणि फलंदाजी राहिली असेल परंतु इथे उपस्थित असलेले पीके सुतार सांगत असतील की तरुण वयामधला कुणाल आता 65 वयामध्ये काय करणार पण तो गोलंदाजी आणि फलंदाजी त्यांनी चांगली केली आजही त्यांना करावी लागेल कारण की या तरुण वयामध्ये प्रकाश सुतार आणि त्यांच्या बरोबरीतल्या बऱ्याच मंडळींना या कुणाल सरांना अनुभवलं असेल या मैदानावर आणि ते फलंदाजीला दाखल झाले त्याने चेंडूला दिशा दिले एकच धाव षटकातला शेवटचा चेंडू मार्गस्थ होते गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न षटक घोषित झालाय याचबरोबर विजय झालाय तो गोल्डन स्टार संघ